15 अगस्त यानी देश की आजादी का दिन, 15 अगस्त यानी देश के लिए गौरव का दिन, 15 अगस्त यानी गुलामी से मुक्ति का दिन। देश की आजादी के दिन से लेकर आज तक देश ने कई प्रधानमंत्रियों को देखा। साल 1947 से लेकर साल 2018 तक प्रधानमंत्री के पद पर भारत देश में कुल 14 पदाधिकारी अपनी सेवा दे चुके हैं। 1947 के बाद के कुछ दशकों तक भारतीय राजनीतिक मानचित्र पर कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कांग्रेस के नेतृत्व में कई मजबूत सरकारों का राज देखा गया, जिनका नेतृत्व कई शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्रियों ने किया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहली बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे को फहराया था। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वाधीनता समारोह के साथ उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्होंने लगातार 17 सालों तक भारत को अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 3 पूर्ण और 1 खंडित कार्यकाल तक वो इस पद पर विराजमान रहे। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल मई 1964 में उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हुआ। आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू अब तक के सबसे लंबे शासन संभालने वाले प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हीं की पार्टी के लाल बहादुर शास्त्री ने इस पद को संभाला। लाल बहादुर शास्त्री ने 19 महीनों तक प्रधानमंत्री पद संभाला। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ही भारत ने साल 1965 में कश्मीर युद्ध और उसमें पाकिस्तान की पराजय देखी। इस युद्ध के बाद ताशकंद के शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे, लेकिन ताशकंद में ही उनकी अकारण और अकस्मात मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी इस पद पर आसीन हुई। इंदिरा गांधी इस पद पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित हुई थी। इंदिरा गांधी के पहले 2 कार्यकाल 11 सालों तक चले। इन 11 सालों के शासनकाल में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राज परिवारों को मिलने वाले शाही भत्ते और राज की उपाधियों की समाप्ति जैसे कठोर कदम उठाए। साथ ही पाकिस्तान से 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना, जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम को भारत में अभिगमन, पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण जैसी ऐतिहासिक घटनाएं भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद 1975 से लेकर 1977 तक का कुख्यात आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था। ये समय सरकार द्वारा आंतरिक उथल पुथल और अराजकता को नियंत्रित करने हेतु लोकतांत्रिक नागरिक अधिकारों की समाप्ति और राजनीतिक विपक्ष के दमन के लिए कुख्यात रहा। इस आपातकाल के चलते ही इंदिरा गांधी के खिलाफ उठे विरोध की लहर के चलते ही आपातकाल के खत्म होने के बाद 1977 के चुनाव में विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों ने संगठित रूप से जनता पार्टी के छत्र के नीचे कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को पूरी तरह पराजित करने में सफल रही। जनता पार्टी गठबंधन की तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार अत्यंत विस्तृत एवं कई विपरीत विचारधाराओं की राजनीतिक दलों द्वारा रचित थी, जिनका एकजुट होकर विभिन्न राजनीतिक निर्णयों पर एकमत न हो पाने से समन्वय बनाकर रखना बहुत ही कठिन था। इसी के चलते 2.5 सालों के शासन के बाद 28 जुलाई 1971 को मोरारजी के इस्तीफे के साथ ही उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद कम समय के लिए ही मोरारजी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से बहुमत सिद्ध किया और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल केवल 5 महीनों तक चला, जुलाई 1979 से जनवरी 1970 तक। उनके लिए भी घटक दलों के साथ समन्वय बना पाना काफी कठिन दिखाई दिया और अंत में कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के चलते ही उनकी सरकार ने भी बहुमत खो दिया और उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर कांग्रेस को अपना बहुमत साबित करने का मौका मिला और उसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पुनः भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई और इंदिरा गांधी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी का ये दूसरा कार्यकाल उनके विवादास्पद कदमों के लिए जाना गया। जी हाँ, इंदिरा गांधी का सबसे कठोर एवं विवादास्पद कदम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे अमृतसर के हरि मंदिर साहिब में छिपे हुए खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था। यही वजह थी कि 31 दिसंबर 1984 की सुबह उनकी हत्या हो गई और इसी के साथ इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के रूप में शासनकाल समाप्त हो गया। साल 1984 वक्त था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री पद हासिल किया। साल 1989 में आम चुनावों में कांग्रेस की हार हो गई और पार्टी 2 सालों तक विपक्ष में रही थी। साल 1991 के आम चुनाव के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक भयंकर बम विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ही भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया था। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वो उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत गणराज्य के 8वें प्रधानमंत्री बने थे और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनका शासन भले ही 1 साल से कम चला लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आपको बता दें, विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 2 सितंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक चला। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 6 महीनों के शासनकाल के पश्चात कांग्रेस पुनः सत्ता में आई। इस बार पमुलापति वेंकट नरसिंह राव के नेतृत्व में। नरसिंह राव दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे, साथ ही वे न केवल नेहरू गांधी परिवार से बाहर के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे बल्कि वो नेहरू गांधी परिवार के बाहर के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। नरसिंह राव का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन का वक्त था। अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की शुरुआत की, जिसके कारण भारत की अब तक सुस्त पड़ी खतरों से जूझती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया। इन उदारीकरण के निर्णयों से भारत को एक दृढ़ नियंत्रित कृषि उद्योग मिश्रित अर्थव्यवस्था से एक बार बाजार निर्धारित अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। इन आर्थिक नीतियों को आगामी सरकारों ने भी जारी रखा, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया। इन आर्थिक परिवर्तनों के अलावा नरसिंह राव के कार्यकाल में भारत ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के विवादित ढांचे का विध्वंस और भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में उदय भी देखा। नरसिंह राव का कार्यकाल मई 1996 को समाप्त हुआ, जिसके बाद देश ने अगले 3 वर्षों में 4 लघुकालीन प्रधानमंत्रियों को देखा। पहले अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिवसीय शासनकाल, उसके बाद प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। दोनों की 1 साल से कम समय का कार्यकाल एवं तत्पश्चात पुनः प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 19 माह की सरकार। 1998 में निर्वाचित हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ अत्यंत ठोस और चुनौतीपूर्ण कदम उठाए।
1998 में सरकार के गठन के एक महीने के बाद सरकार ने पोखरण में 5 भूतलीय परमाणु विस्फोट करने की घोषणा की। इन विस्फोटों के विरोध में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन रूस, फ्रांस, खाड़ी देशों और कुछ अन्य के समर्थन के चलते पश्चिमी देशों का यह प्रतिबंध पूर्णतः विफल रहा। इस आर्थिक प्रतिबंध की परिस्थिति को बखूबी संभालने को अटल सरकार को बेहतरीन कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। भारतीय परमाणु परीक्षण के जवाब में कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार ने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। फरवरी 1999 में दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों ने आपसी रंजिश खत्म करने, व्यापार बढ़ाने और अपनी परमाणु क्षमता को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा की। 17 अप्रैल 1999 को जयललिता की पार्टी AIDMK ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। एक वोट के चलते ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिर गई। इसी बीच कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ भी हो गई। इसके बाद तो अटल सरकार एक्शन में आ गई, सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए गए, जिसके बाद सैन्य कार्रवाई हुई और कारगिल में भारतीय सेना के जवानों के बल पर भारत ने विजय हासिल की। इसके बाद हुए 1999 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कुर्सी पर काबिज हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बरकरार रखा और उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर प्राप्त की। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियतों के विकास के लिए सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए, जिनमें राजमार्गों और सड़कों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। लेकिन उनके इसी शासनकाल के दौरान साल 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों ने विशेषकर गुजरात और देश के कई अन्य हिस्सों में आजादी के पश्चात भारत के सबसे हिंसक और दर्दनाक सामुदायिक दंगों को भड़का दिया। सरकार पर और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर उस वक्त दंगों के दौरान रोकथाम के उचित कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए गए। प्रधानमंत्री वाजपेयी का कार्यकाल मई 2004 को समाप्त हो गया। वो देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया था। 2004 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम रहा और कांग्रेस सदन में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। वामपंथी पार्टियों और कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार स्थापित हुई और नए प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। उनके कार्यकाल में देश ने प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय हासिल की गई आर्थिक गति को लगातार बरकरार रखा। इसके अलावा सरकार ने आधार विशिष्ट पहचान पत्र और सूचना के अधिकार जैसी सुविधाएं पारित की। इसके अलावा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक सामरिक और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद देश में कई सुरक्षा सुधार कार्यान्वित किए गए। उनके पहले कार्यकाल के अंत में अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर लेफ्ट फ्रंट के समर्थन वापसी सरकार लगभग गिरने के कागार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सरकार बहुमत साबित करने में सक्षम रही। 2009 के चुनाव में कांग्रेस और भी मजबूत जनादेश के साथ सदन में आई और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल अनेक उच्च स्तरीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा। साथ ही आर्थिक उदारीकरण के बाद आई प्रशंसनीय आर्थिक गति भी सुस्त पड़ गई और अनेक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ठोस और निर्णायक कदम न उठाने पाने के चलते सरकार की छवि काफी खराब हुई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2014 को समाप्त हो गया। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, ने बंपर जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो कि पूर्ण बहुमत के साथ
सत्ता पर विराजमान हुए हैं। साथ ही वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि आजाद भारत में ही जन्मे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे देश के लिए प्रधानमंत्रियों ने अपनी सेवाएं दी हैं। आप सभी को तहलका इंडिया न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।